नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और वर्तमान समय में PET का विशेष कक्षा कार्यक्रम आप लोगों के लिए संचालित किया जा रहा है। यद्यपि यह टॉपिक समान रूप से अगर देखा जाए तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए, लोअर एग्जाम के लिए, RO AR परीक्षा के लिए और UPSI के लिए समान रूप से जो उपयोगी है। यद्यपि हम आज का ये कलेक्शन जो PET के विशेष कक्षा कार्यक्रम के लिए जो प्रस्तुत कर रहे हैं और ये पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर आधारित है, जिससे आपको इस टॉपिक के टेक्स्ट के बाद जो है इससे पूछे गए अभी तक के विभिन्न सवालों को उनके स्तर, उनके कठिनाई, उनके गहराई को ध्यान में रख करके जो है बनाया गया है। तो एक एक करके हम इस टॉपिक यानी कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका कि वर्णन क्रमशः अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है, को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके जो है हम इन सवालों को कवर करने का प्रयास करें, जो कि महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा और इसी के अंतर्गत जो है महाधिवक्ता का भी एक टॉपिक यहाँ पर जो है संकलित किया गया है। पहला सवाल इसमें है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, यानी कि जो है कानूनी विषयों पर केंद्र में जो है कौन, भारत सरकार का मतलब केंद्र सरकार से है। तो जैसा कि पूर्व में भी पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को कि भारत में जो है वो महान्यायवादी यानी कि जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो है विधि परामर्शदाता है और इसी के कारण से जो है इसे ही जो है कानूनी विषयों पर भारत सरकार को जो है परामर्श देने का अधिकार है। तो महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका कि उल्लेख आर्टिकल जो है 148 के अंतर्गत सीएजी का वर्णन किया गया है। इनका वर्णन जो है 76 के अंतर्गत जो है किया गया है, 76 आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी का जो है यानी कि जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है का वर्णन किया गया है और 148 में सीएजी का वर्णन किया गया है। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद कौन धारण करता है। तो महान्यायवादी ही जो है भारत में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं और इन्हें जो है राष्ट्र महान्यायवादी को ये भी बताया गया है कि वेतन, महान्यायवादी को वेतन के बजाय जो है महान्यायवादी को पारिश्रमिक दिया जाता है, वेतन के बजाय इन्हें जो है पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरीके की बातें जो है इनके संदर्भ में हैं। अगला जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। भारत के न्यायवादी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है, भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा भारत के महान्यायवादी को ही जो है, आज के इस लेक्चर में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं अभी स्टार्टिंग में वो सब महान्यायवादी से हैं। बस केवल हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने डायमेंशन हो सकते हैं, कितने आयाम हो सकते हैं यहाँ पर सवालों को पूछने के संदर्भ में। तो आप लोग एक एक करके अन्य जो भी आयाम हैं, अन्य जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोग भारत सरकार के हैं। यहाँ पर यह ध्यान में रखना, अगर भारत सरकार ना होता तो प्रधानमंत्री हम लिख सकते थे, लेकिन अगर दोनों हैं तो हम भारत सरकार को ही सही उत्तर यहाँ पर लगाएंगे। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, तो मुख्य विधि परामर्शदाता जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी लिखा गया है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है और इस रूप में वो भारत सरकार का भी मदद करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो इसलिए ये सवाल भी सही तो है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है ये विकल्प ही यहाँ पर सही है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किनको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अब यहाँ पे देखना है कि महान्यायवादी, चूंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है, इसीलिए वो सभी न्यायालयों में, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में महान्यायवादी, अगर राज्य के क्षेत्र में पूछता तो यहाँ पर जो है राज्य के क्षेत्र में एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट यानी कि आर्टिकल 165 के अंतर्गत भारत के महाधिवक्ता को भी होता है। तो अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे
भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2000 में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। इसमें वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होना चाहिए, सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये बात जो है यहाँ पे गलत है। और संसद द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जाता नहीं, ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए विकल्प एक यहाँ पर सही होगा, एक और दो। यहाँ पर एक अगला प्रश्न तो नहीं है, हमारे सहयोगी के द्वारा इस तरीके का एक यहाँ पर चित्र बनाया गया है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक बच्चे के द्वारा जो है कूड़ेदान में विभिन्न प्रकार के जो है कूड़े को जो है डाला जा रहा है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तरफ एक संकेत देता है। तो हम सभी लोगों को मिल करके इस चित्र के साथ साथ में भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का पूरी मनोयोग से जो है सपोर्ट करना चाहिए, जिससे न केवल जो है इस चित्र को उकेरने वाले बल्कि भारत सरकार के इस मिशन को जो है सफलता मिल सके। तो ये चित्र आप लोगों के लिए हैं। और इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट संसद के किसी एक सदन के सदस्य न होने पर भी संसद में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, तो निश्चित तौर पर भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अब यहाँ पर यह भी सवाल यहाँ पर, अब चूंकि हम लोग इस वक्त जो है महान्यायवादी पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर तो यही होगा। खैर यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी, इसलिए यहाँ पर आपको संकेत भले ही मिल जा रहा है लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करना होगा कि जो प्रश्न में दिया गया हम इसको यहाँ पर समझ लें। जैसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का एक तो यही जानकारी हो गई, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का, किसी भी संसदीय कमेटी का जो है सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार उसे नहीं है। तो चार जानकारी हमको मिली, किसके बारे में, भारत के जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि इस प्रश्न का उत्तर भी है। और चूंकि प्रश्नों को हल करने से जो कि UPPCS मेंस 2003 में सवाल भी पूछा गया है के माध्यम से हमें ये जानकारी होती है कि इससे संबंधित सवाल अगर पूछे जाते हैं अन्य परीक्षाओं में तो हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बहुआयामी बच्चों को समझने का यहाँ मदद मिलता है। पॉइंट नंबर एक कि दोनों सदनों में उसे बोलने का जो है अधिकार होता है, वहाँ की जो कार्रवाई है उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है, किसी कमेटी में सदस्य होने का अधिकार, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्यों, ये भी सवाल जान लेते हैं, क्योंकि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को संबोधित करने का अधिकार निम्नलिखित में से जो है महान्यायवादी को तो है ही, चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, सुरक्षा सलाहकार को नहीं है, तो विकल्प संख्या ये यहाँ पे सही होगा और टॉपिक के अनुसार महान्यायवादी ही इसका उत्तर होगा जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान। अब ये समझ लीजिए कि आईएएस की परीक्षा में 2013 में भी वही सवाल पूछा गया जो पहले के सवाल में प्रश्न में ही सारी बातें कह दिया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वाक्य संख्या 1, 2 और 3 यानी कि विकल्प संख्या सी यहाँ पर राइट आंसर होगा आप इस क्वेश्चन का। तो हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं जो है, और इसी के अन्य पक्षों को यहाँ पर देखने और समझने का प्रयास करते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या है, ये जो है एक कानूनी सलाहकार है, यद्यपि इसमें किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना है। थोड़ा सा हम इसके जो है व्याख्या को भी समझने का प्रयास करते हैं कि कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल नंबर एक पर, तो ये अटॉर्नी जनरल का सहयोगी होता है। नंबर दो, ये जो है संविधान में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होता है, बाद में इसे जो है पद को जो है सृजित किया गया, लेकिन ये संविधानिक पद नहीं है और ये मुख्य रूप से अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। और इस रूप में जो है वो अगर देखा जाए तो अंतिम रूप से वो भारत सरकार की भी सहायता करता है, यानी कि कानूनी सलाहकार इसका उत्तर होगा, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। अब हम यहाँ पर टॉपिक देखिए चेंज हो रहा है और यहाँ पर आर्टिकल अगर देखा जाए
तो 165 के अंतर्गत जो है इस टॉपिक का जो सही उत्तर है वो ये है कि महाधिवक्ता, जिसे कहते हैं एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, आर्टिकल 165 में जो है ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील और राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। लेकिन यहाँ भी यह ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर इस तरीके का कोई औपचारिक पद नहीं है, जैसे वहाँ पर अटॉर्नी जनरल के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगले सवाल को कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो एडवोकेट जनरल तो है ही, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल पर देखें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो ये तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि 148 के अंतर्गत है, और ये पूरी की पूरी व्यवस्था भाग 5 के अंतर्गत चैप्टर 5 में, जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था कि अध्याय जब हम भाग पढ़ते हैं संविधान के, तो भाग 5 में 5 अध्याय और 6 में 6 अध्याय का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। केवल वहाँ पर छठे भाग में हम लोगों ने देखा था कि पहला जो अध्याय था वो सामान्य हो गया है, बाकी का शेष अध्याय उसी तरीके से कवर करता है। अंतर लास्ट में एक अध्याय को लेकर के और होता है, क्योंकि यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जो कि राज्यों में नहीं होता है, तो राज्यों में हम लोग वहाँ पर अध्याय उसी अध्याय के समान रूप में जो है अधीनस्थ न्यायालयों को सम्मिलित कर लिए हैं। तो छठे भाग में 6 अध्याय है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जैसा कि हम लोगों ने भी देख लिया कि आर्टिकल 148। तो ये चीज़ें बताते हैं कि किन किन आयामों से सवाल अभी तक पूछे गए हैं और कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसे हम लोगों को समझने की आवश्यकता और ज़रूरत है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संदर्भ में एक बात और जान लेना आवश्यक है कि राज्यों में कोई इस तरीके की बॉडी नहीं होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही वो सेंटर और स्टेट के अकाउंटिंग को जो है वो कंपाइल करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी व्यय हुए हैं उनके लेखा को जो है संकलित करने का प्रयास करते हैं, और केंद्र से संबंधित, केंद्र सरकार के बजट से संबंधित खर्चों के लेखांकन का संकलन वो जिस तरीके से राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उसी तरीके से राज्य सरकार के बजट से संबंधित खर्चों के लेखांकन का संकलन वो राज्यपाल को सौंपते हैं, और दोनों के द्वारा इसे पटल पर रखवाया जाता है, जहां पर अग्रिम कार्यवाही लोक लेखा समिति यानी कि PAC कमेटी होती है जिसके द्वारा किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो मुद्दों पर सरकार के द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों की खुलासा भी किया जाता है। और कई बार इस तरीके के मामले आते हैं कि इस कोल ब्लॉक आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, इसी तरीके से जो भी राष्ट्रमंडल खेल में घोटाले या जो भी चीज़ें आती हैं उसके लेखांकन की जांच, आगे की कार्यवाहियां जो है वो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन में की जाती है और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सरकार के एक नेगेटिव एस्पेक्ट बाहर आते हैं और सरकार बचने का प्रयास करती है कि ऐसा कोई भी मामला ना आए जिससे विपक्ष के द्वारा उस पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। तो ये बॉडी जो है वो इकोनॉमिकली जो है अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्रयास करती है जिससे विभिन्न प्रकार के खर्चों में मितव्ययिता को जो सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके। अगले सवाल पर इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया, तो डेफिनेटली आर्टिकल 148 के अंतर्गत संविधान में जो है इस पद की जो व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई, जिसका वर्णन भाग 5 के अध्याय 5 में जो है किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर है जो है 5 वर्ष। अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, जो है इस सवाल को थोड़ा सा हम पुनः जो है कवर करने का प्रयास करते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल, डेफिनेटली ये एक संवैधानिक पद है और यहाँ 5 के बजाय 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका जो कार्यकाल है वो बेसिकली 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में जो पहले हो,
इस तरीके से संवैधानिक पदों पर जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सामान्यतया जो है 6 वर्ष का कार्यकाल है। तो यहाँ पर हम राजनीतिक पदों के समान इसको न जोड़ते हुए यहाँ पर पुनः इसको देख लेते हैं कि ये 6 वर्ष होता है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल जो है 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले होगा तक जो है उसका कार्यकाल बना रहता है। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय कि न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवक के अयोग्य हो जाते हैं। उनको पदच्युति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि क्या नहीं है, और जो गलत होगा वही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं और गलत मतलब समान होगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी जो है पदच्युति नहीं की जाती है, बल्कि इनके संबंध में एक व्यवस्था का उल्लेख है, और उसी व्यवस्था के तरफ जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है उसी तरीके से हटाया जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, लेकिन इसके पूर्व में हम लोगों ने 2 पद देखा, महान्यायवादी का पद और इसी तरीके से एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का पद, ये दोनों ही पद उसी पैटर्न पर होते हैं। आगे के सवाल को हम लोग कवर करेंगे कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं किया जाता है। भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सही। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से संबंधित सभी व्ययों का परीक्षण करना उसके संदर्भ में प्रस्तुत करना, सही। सभी व्यापार निर्माण लाभ हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण उसके संदर्भ में, सही। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यह नहीं है क्योंकि निर्गम पर नियंत्रण इसके हाथ में नहीं है, यह वाक्य गलत है, और जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जब भारत का राष्ट्रपति आपदा वित्तीय आपात को घोषित करता है। अगला है कि सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार करती है, निश्चित तौर पर यह सही है। सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल करती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, निश्चित तौर पर होगा ही, तो ये वाक्य भी जो है यहाँ पे सही है। सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने में नहीं अभियोग यह नहीं है, एजेंसियाँ ही बाद में लगाती हैं, तो ये डेफिनेटली ये जो है वाक्य नहीं होगा। तो 2 और 3 यानी कि विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही है, जो कि उत्तर के रूप में दिया गया है। अब 148 के अंतर्गत जो भारत के नियंत्रक महालेखा पद का जो सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण शक्तियां प्राप्त की गई हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है, और इनके प्रतिवेदनों के आधार पर जाँच एजेंसियाँ आरोपों पर जो है एवं विरुद्ध आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर करती हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी, बेसिकली अंतिम जिम्मेदारी अगर देखें तो संसद की होती है, लेकिन जो है उनके प्रतिवेदनों पर जांच कौन करता है, वो लोक लेखा समिति होती है, इसीलिए लोक लेखा समिति को मित्र मार्गदर्शक और सारी चीज़ें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित, लोक लेखा समिति जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो जहाँ पर भी लोक लेखा समिति की बात आएगी मित्र मार्गदर्शक और सारी क्वेश्चन बनेंगे बैठ सकता कि नहीं बैठ सकता, उन सभी बिंदुओं पर जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर हटाया जा सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर,
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, नहीं। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को होता है, तो वहाँ पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा संकल्प पारित किया जाता है उन्हें हटाने के लिए। तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होगा, और उनके संबोधन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। अब ये तो मैंने अभी बताया है कि लोकलेखा समिति है, जो कि इसका जो है सही उत्तर भी जो है होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लोकलेखा समिति जो है एक मित्र और मार्गदर्शक होता है, यानी कि पीएसी कमेटी जो है बनती है, जो है जो विभिन्न प्रकार के जो है अकाउंटिंग के संदर्भ में जो है जो भी आरोप लगते हैं उसमें ऑडिट पैरा बना देता है, और नीचे से ऊपर तक का इसका क्रम होता है, और लास्ट में सबसे जा करके इसमें पीएसी का जो पैरा बनता है, जो कि सबसे गंभीर आरोप के रूप में जो है माना जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्ति एवं सेवा स्थिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है, यानी कि अकाउंट को अकाउंट को ऑडिट से पृथक कर दिया गया है, और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से जो है मुक्ति देता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है, और ये संशोधन जो है 1976 में किया गया है। इस पे स्पेशल मेन एग्जाम पीसीएस 2004 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसका उत्तर जो है 1976 होगा। इसमें व्याख्या भी इसी तरीके से दे दिया गया ताकि आपको और भी यहाँ पर क्लियर हो सके इस सवाल को लेकर के, यानी कि पूर्व में जो है 1976 से पहले अधिनियम जो है 1971 का है, लेकिन इसे संशोधन या जो संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में। तो महालेखा कार यानी सीएजी की जो है कर्तव्य एवं शक्ति अधिनियम में जो है संशोधन किया गया है 1976 ईस्वी में, जिसके माध्यम से अकाउंट को ऑडिट से अलग कर दिया गया है, और अब जो है अकाउंटिंग की जो है जो जिम्मेदारी थी वो सीएजी के स्तर से हटा लिया गया है, और अब ये जो है केवल ऑडिट के रूप में जो है काम करता है, लेखा परीक्षण के रूप में जो है काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। और ईजी होते हैं प्रत्येक राज्य में जहाँ पर अकाउंट को जो है संकलित करने का काम किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, नहीं, ये केवल राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसमें अनुशंसा की कोई बात नहीं होती है आर्टिकल 165 के अंतर्गत। अगला हम वाक्य इसमें देखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय एवं सलाहकारी अधिकारिता होती है। उच्च न्यायालय की होती ही है, तो इसमें जो है अपीलीय यहाँ पर जो लिखा गया है सलाहकारी, ये सलाहकारी शब्द इसको गलत बना देता है, तो इसलिए ये दोनों ही वाक्य यहाँ पर गलत हो जाते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये वही वाक्य गलत है, क्योंकि ये केवल राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और दूसरे वाक्य में जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय, ये दोनों तो सही है लेकिन सलाहकारी नहीं होती है, क्योंकि ये केवल राष्ट्रपति के पास है। विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है यहाँ पे कहा जाता है। यद्यपि नियंत्रण की शक्ति तो नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग और ऑडिट के माध्यम से यहाँ पर ये बात सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो है। अगला सवाल है कि भारत के सीएजी कार्य करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक नहीं, लोक वित्त के संरक्षक, डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही है, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार नहीं है, तो आपने देख लिया अटॉर्नी जनरल था, उपरोक्त सभी के संरक्षक, ये भी नहीं होगा क्योंकि सभी इसमें नहीं है, तो इसका मुख्य कार्य जो है वो लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। अभी जैसे ये भी कह दिया जाता है राजकोष के धन पर नियंत्रण, तो ये डेफिनेटली तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोक वित्त के संरक्षक के रूप में ये काम इस रूप में करते हैं कि जो भी सरकार बजट आवंटित करती है उनके खर्च जो होते हैं और उस खर्च के अकाउंटिंग का जो है कंपाइलेशन होता है, फिर वो राष्ट्रपति के थ्रू सदन में रखा जाता है
जहाँ पर पीएससी उसकी जो है छानबीन करता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सीएजी जो है लोक वित्त के संरक्षक के रूप में जो है वो काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, यहाँ पर पूछा है कि गलत है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, राजस्व, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन। व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनका नियंत्रण और जो भी गाइडलाइन मार्गदर्शन है वो बेसिकली आरबीआई के थ्रू होता है, तो इसमें सीएजी का कोई रोल नहीं है। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीएजी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इसी के साथ साथ एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, इन तीनों टॉपिक से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का संकलन किया और इस पर जो है विश्लेषण को देखने का प्रयास किया। तो इस टॉपिक के माध्यम से आपको जो है इससे संबंधित पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में मदद मिलेगा। तो आप लोग इस टॉपिक के साथ साथ जो है इसके पूर्व में जो भी लेक्चर अपलोड किए गए उसको विधिवत ढंग से पढ़ने का प्रयास करते रहिए, ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों पर आपकी दृष्टि स्पष्ट हो सके, परीक्षा में आप एक आत्मविश्वास के साथ जा सकें। और ये आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पीटी का विशेष कक्षा कार्यक्रम जो चल रहा है, जहां पर आगामी समय में जो है एग्जाम होने वाले हैं, तो आप उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, और कई लोगों के द्वारा इस बात के बीच जो है आरोप लगाए गए या लोगों ने जो अनुरोध किया कि हमें इससे संबंधित लेक्चर उपलब्ध नहीं हो पाए, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, जिससे समय से जो है आप लोगों को इससे संबंधित जो है वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उससे जो है लाभान्वित होकर के परीक्षा में मजबूती के साथ अपने आप को उतारने में सफल हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।